guys, welcome to my YouTube channel. Today we will be talking about the colorectal cancer. So आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मन कर रहा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों, किस किस कारण की वजह से किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। तो अगर अपन इटियोलॉजी की बात करें तो उसमें बताया जाता है, एक जो पहला है वो है कि डाइटरी इनटेक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई मतलब कोई इंसान अगर हाई फैट, ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड मतलब प्रोसेस्ड मीट जो है बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी कुछ अगर वो इंटेक करता है तो क्या होगा। आपको पता है कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पर ज़्यादा अमाउंट पे जो है बाइल का सिक्रेशन होगा, ठीक है। अब ये बाइल का ज़्यादा अमाउंट पे सिक्रेशन होना और बाइल पे होते क्या रहता है, अगर अपन बाइल की कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो बाइल पे जो रहता है वो है, एक तो होता है कोलेस्टेरॉल होता है, ठीक है, और होता है बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, जब ये दोनों चीज़ें इंटेस्टिनल जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल माइक्रोब्स नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर अगर यहाँ पे लाइफस्टाइल, मतलब देखिए जितना दिन आगे जा रहा है इंसान अपनी मतलब लाइफस्टाइल उतना ही चेंज हो रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंटेस्टिनल माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं और वो कुछ ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाते हैं जो यहाँ पर ये कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कभी कभी वो ज़िम्मेदार होता है। जैसे कि इस केस में क्या होता है कि कोलेस्टेरॉल और बाइल सॉल्ट, ये दोनों चीज़ें को इंटेस्टिनल माइक्रोबायल जो है, ठीक है, वो एक कार्सिनोजन पर कन्वर्ट करता है, तो इसीलिए कोलोरेक्टल कैंसर का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि जब लो फाइबर ऐसा कुछ लो फाइबर फूड अगर इंटेक करे कोई, ठीक है, जिसमें फाइबर का अमाउंट जो है वो कम है, तो क्या होगा कि फाइबर का अमाउंट कम है तो स्टूल जो बनेगा वो कम बनेगा। अब देखो अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, उसमें अगर स्टूल कम बनेगा, ठीक है, तो वो स्टूल का बल्क जो है वो कम होगा, तो इसका जाना मतलब ट्रांजिट होना भी बहुत कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा कि जो इंटेस्टिनल माइक्रोबायोस हैं वहाँ पे, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे, वो ऐसे मतलब उनका जो मतलब माइक्रोबायोटा उसका कंपोजिशन वो सब चेंज होने लगेगा, ठीक है, और वो क्या करेंगे ना बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। अब होगा क्या, ये सभी टॉक्सिक प्रोडक्ट, ठीक है, जब इंटेस्टाइनल के जो म्यूकोजा है, ठीक है, उस म्यूकोजा में बहुत ज़्यादा समय से जब रह जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो स्टूल बना उसका बल्क कम है, इसी वजह से वो रिलीज अच्छे से नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर रह रहा है, तो क्या करेगा, इसमें म्यूकोजा पे बार बार ये जो इंजरी कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे करके ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांसेस जो है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। ये तो वह रीज़न, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रोटेक्टिव कंडीशंस भी है, जैसे कि अगर कोई ऐसा फूड इंटेक करे जिसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए रहे, विटामिन सी और ई, देखो ये विटामिन ए सी ई ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेंट बनते हैं अपन के बॉडी पे उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसी वजह से अगर ऐसा फूड को इंटेक करे तो उसके लिए कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांसेस उतना ही कम है, ठीक है, ये हो गया। और फिर बताया जाता है कि बहुत सारे क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है, तो
ये तो गया डाइटरी वाला कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे जिसका नाम है एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेकेंड ईयर के पैथोलॉजी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस अपन इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, अभी से अपन थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, देख एडेनोमा जो होता है ये लेकिन मैलिग्नेंट नहीं होता, ये एक बिनाइन कंडीशन होता है, ठीक है, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे एडेनोमा हो। एडेनोमा का मतलब क्या है, कि एडेनोमा का मतलब है कि ऐसा कोई ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है जो लाइंड होता है बाय द ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। मतलब मान लें ये यहाँ पर कोई ऐसा ट्यूबुलर ग्लैंड है, ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स हैं उसके, तो इसको अपन एडेनोमा बोलते हैं। ये एडेनोमा अल्टीमेटली किस पर कन्वर्ट होगा, कार्सिनोमा पे, मैलिग्नेंट कंडीशन पे जाएगा। कैसे जाएगा वो अपन अच्छे से बताएंगे थोड़ी देर बाद में। अच्छा, एक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुना होगा आपने हेरिडिटरी नॉन पॉलीकोसिस कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में, ठीक है, तो ये बेसिकली हेरिडिटरी है, ठीक है। अभी इस कंडीशन पे भी मतलब एच एन बी सी सी से भी कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब अपन आपको बताएंगे कुछ कुछ रिस्क फैक्टर कि किस किस कंडीशन पे कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर अपन रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें जो आता है वो आता है कि पहला जो आता है इंक्रीजिंग एज, कि जितना ज़्यादा एज होगा, ठीक है, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कोलोरेक्टल कैंसर होने के। दूसरा जो होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर किसी के फैमिली पे ऐसा कोई है, मतलब जिसका कोलोरेक्टल कैंसर है, ठीक है, इसको तो उस केस में भी कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांस जो बढ़ जाता है, ठीक है, अपन उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बोला जाए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपने सुना होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ के बारे में, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल, मतलब ये ही बताया जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है चांसेस जो है ज़्यादा है कोलोरेक्टल कैंसर होने के अदर देन क्रोन्स डिजीज़। और ये सारे के सारे रिस्पेक्टर हो गए हैं, ठीक है। और एक और है, मतलब आज जिसका मेन है, अगर अपन बोले कि स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग की बात करें या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारे के सारे चीज़ें क्या करते हैं, रिस्क को बढ़ा देते हैं कोलोरेक्टल कैंसर होने के, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन आ नहीं रहा है पर अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, अरे यार ओके, लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, रिस्क फैक्टर हो गया। अब एक प्रोटेक्टिव कंडीशन की बात करें आपको, ठीक है, देखो अगर कोई यहाँ पर एस्पिरिन या फिर एनसेड्स ये सब ले रहा है, आपको पता है कि एस्पिरिन से करता गया बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंडुलर सेल्स को कम करता है, ठीक है, तो मतलब ये सारे क्या है, ये बेसिकली कॉक्स इनहिबिटर है, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम जो है उसका इनहिबिटर है। तो ऐसा देखा गया है कि कोलोरेक्टल कैंसर जो होते हैं उनमें एक कॉक्स एंजाइम का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसी वजह से एस्पिरिन एनसेड का यूज़ करना इसमें क्या होता है कि इसका चांस, मतलब कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांस को कम कर देता है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं पैथोजेनेसिस पे, ठीक है, मतलब कैसे मैकेनिज्म क्या है ये कैंसर होने का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इमेज भी शो करूँगा लास्ट में। तो देखो पैथोजेनेसिस में बात करें तो तीन प्रकार के यहाँ पर जो है, मतलब पैथोजेनेसिस का जो तीन प्रकार रीजन से हो सकता है। पहला जो है अपन उसको बोलते हैं ये वाला, मतलब एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, ठीक है, दूसरा जो है उसको बोलते हैं कि माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, और तीसरा जो है वो है कि CPG, मतलब साइटोनिन पी फॉर फॉस्फेट, ये गुआनिन, मतलब साइटोनिन और गुआनिन फॉस्फेट कौन सा जो लिंक होता है उसका CPG
ऐसे करके अपन बोलते हैं, तो सीपीजी ठीक है, आइलैंड मतलब जिसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, सीजी कंटिन्यू आईपेन आइलैंड ठीक है, हाइपर मिथाइलेशन फेनोटाइप, हाइपर मिथाइलेशन फेनोटाइप। अब यहाँ पर पहला जो है एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस ठीक है, अब इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ओके सो यहाँ पर क्या होता है एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस में, बहुत सारे फैक्टर्स ठीक है। देखो ट्यूमर होने का मतलब क्या है कि सेल का प्रोलिफरेशन होगा, लेकिन वो प्रोलिफरेशन कंट्रोल्ड नहीं अनकंट्रोल्ड होगा। यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर एडेनोमा का बनना और एडेनोमा से फिर से इसको कार्सिनोमा मतलब मैलिग्नेंसी कंडीशन पे जाना, हर एक स्टेप में आप यही यहाँ पर देखोगे कि सेल प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने का जो मशीनरी है उसमें गड़बड़ आ चुकी है ठीक है। पहले अपन बात करें ए पी सी जीन के बारे में, इसको बोला जाता है एडेनोमा पॉलीपोसिस कोलाई जीन। ये करता क्या है बेसिकली, ये जीन देखो पहले अपन डब्ल्यू एन टी पाथवे की बात करें, यहाँ पर डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग एक पाथवे होता है ठीक है, पाथवे होता है, इसका एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है बीटा कैटेनिन, कंपोनेंट होता है जिसका नाम है बीटा कैटेनिन। अब मान लो ये एक सेल है और ये मान लो कि ये डब्ल्यू एन टी का रिसेप्टर है, यहाँ पर बीटा कैटेनिन है और यहाँ पर ए पी सी जीन का जो एक्सप्रेशन है वो है, और ये है अपना न्यूक्लियस। अब नॉर्मली न्यूक्लियस पे यहाँ पर एक टी सी एफ ठीक है, एक फैक्टर रहता है मतलब प्रोलिफरेशन का। नॉर्मली जब ये टी सी एफ ठीक है बीटा के साथ बाइंड कर जाएगा ठीक है, मतलब पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है कि ए पी सी जीन का जो एक्सप्रेशन है वो इस बीटा कैटेनिन के साथ जब बाइंड करता है ठीक है, ये मान लें कि बीटा कैटेनिन है और जब ये ए पी सी के जो प्रोडक्ट है उसके साथ बाइंड करता है तो ए पी सी का प्रोडक्ट बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो जब डिस्ट्रॉय कर देता है तो बीटा कैटेनिन टी सी एफ में बाइंड नहीं हो पाता, तो सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं होता ठीक है। तो मतलब सेल कब होता है जब यहाँ पे डब्ल्यू एन टी पाथवे मतलब यहाँ पे रिसेप्टर आते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि मतलब बीटा कैटेनिन ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता और यहाँ पर कंटिन्यू होता है, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन मान लो ए पी सी जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो गया और इस म्यूटेशन होने के वजह से ए पी सी का जो प्रोडक्ट है वो नॉन फंक्शनल है, तो बीटा कैटेनिन डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। अब अगर बीटा कैटेनिन डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ तो बीटा कैटेनिन टी सी एफ के साथ बाइंड कर जाएगा और यहाँ पर सेल साइकिल जो है कंटिन्यू हो जाएगा, सेल प्रोलिफरेशन कंटिन्यू होने लगेगा। ये तो गया पहला रीज़न। दूसरी रीज़न की बात करें तो एक जीन होता है केरास, केरास नाम करके ठीक है, ये एक अपने आप में प्रोटोंको जीन होती है। अब जब इसमें म्यूटेशन होगा तो ये केरास जीन ओंको जीन को कन्वर्ट करेगा और इसके वजह से भी क्या होगा कि मतलब तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक है। मतलब कैंसर मतलब क्या, पहले तो एडेनोमा होगा, तो मतलब इसमें ये मान लो ये जो ए पी सी वाला कंसेप्ट है ये फर्स्ट हिट देता है ठीक है। मतलब सपोज दिस इज़ द मतलब नॉर्मल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ठीक है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन नॉर्मल लाइनिंग है, और जब पहले कंडीशन पे ए पी सी फेलियर होता है ठीक है, जब पहले कंडीशन पे ए पी सी फेलियर होता है तब इसमें ग्रोथ आता है और अपन उसको बोलते हैं कि फर्स्ट हिट ऑफ द एडेनोमा ठीक है, फर्स्ट हिट जिसमें ए पी सी नॉन फंक्शन होगा। फिर केरास आता है तो केरास म्यूटेशन होने के बाद ये सेकेंड हिट होता है, इसको अपन बोलते हैं ए पी सी वाले रीजन के लिए जो होता है उसको अपन बोलते हैं अर्ली एडेनोमा, अपन बाद में बोलते हैं इसको ठीक है। तो केरास का म्यूटेशन होगा प्रोटोंको शाम को ये भी प्रॉब्लमेटिक है ठीक है। तीन नंबर पे यहाँ पर बहुत सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है जैसे कि एस एम ए डी टू और एस एम ए डी फोर, ये सारे सारे जीन जो है ठीक है
इस जीन में भी जब म्यूटेशन होते हैं तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम मतलब काम क्या है कि ट्यूमर को सप्रेस करना, तो फिर अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होता है। चौथे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है P53। अब सबको बताइए अपने अपने ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं तो इसमें भी म्यूटेशन हो सकता है और इसमें म्यूटेशन होने की वजह से भी सेम कंडीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन कैसे होता है, इसमें देखो म्यूटेशन की बात करें तो एक तो हो सकता है कि इसका जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, एक तो मतलब डिलीशन हो गया। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो P53 मान लो यहाँ पर जीन है, ठीक है, और ये P53 का सीक्वेंस है, यहाँ से ये प्रोडक्ट आते हैं। तो इसका आपको पता होगा कि यहाँ पर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो कुछ कुछ यहाँ पे मतलब जीन के कुछ कुछ पार्ट होते हैं कि प्रोमोटर, ठीक है, ऑपरेटर, ऐसे कुछ तक ऐसे करके। तो प्रोमोटर जो रीजन है जहाँ से यहाँ पर ट्रांसलेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, द प्रोटीन बनना, ठीक है, mRNA जो बनती है, ठीक है, mRNA बनती है मतलब एक मतलब क्या बोले उसको प्रोमोटर रीजन, ठीक है ना, प्रोमोटर यहाँ से ये मान लो ये DNA है, ठीक है, यहाँ से राइबोसोम आकर के क्या करेगा इसको, गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, देखिए इधर के पैर से बोलते हैं ये मान लो जीन है, ठीक है, और यहाँ पे P53 जीन है। अब इसमें जब तो mRNA बनेगा, ठीक है, उस प्रोमोटर रीजन को यहाँ पर ब्लॉक किया जाता है बाय हाइपरमिथाइलेशन, ठीक है, हाइपरमिथाइलेशन से प्रोमोटर रीजन को ब्लॉक किया जाता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो नहीं होता। और अगर अपन बात करें तो ये सारे के सारे क्या हो गए रीज़न हो गए कि एडेनोमा हिट कर रहे हैं। लेकिन ये एडेनोमा बना नॉर्मल म्यूकोसा से, उस एडेनोमा को कब कार्सिनोमा बनेगा, जब यहाँ पर एक और कंडीशन होगी कि जो टेलोमेरेज है एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसका काम है कि टेलोमेयर को स्टेबल रखना, ठीक है। अगर क्रोमोसोम की बात करें अपन तो ये पोर्शन अपन क्या बोलते हैं इसको, टेलोमेयर, जितना ज़्यादा कोई अगर सेल, ठीक है, अगर डिवाइड करता रहता है टेलोमेयर का जो पोर्शन वो कम होता रहता है धीरे धीरे, तब तक कम होता है जब तक ना ये सेल सेंसेंस कंडीशन पर ना पहुँचे। जैसे ये सेल उस कंडीशन पर पहुँच जाता है फिर टेलोमेयर मतलब धीरे धीरे मर जाता है वैसे, ठीक है, लेकिन ये टेलोमेयर अगर एक्टिव हो जाएगा और टेलोमेयर अगर स्टेबल हो जाए तो सेल का जो डिवीजन है कभी बंद ही नहीं होगा, कंटिन्यू सेल डिवीजन होती रहेगी। और यही है जो मतलब इस एडेनोमा को क्या बोलूँ तो बिनाइन कंडीशन से मैलिग्नेंसी कंडीशन पर ले जाती है, ठीक है। अब अगर अपन तस्वीर से दिखाएं तो देखिए इधर मैं इतना अच्छे से नहीं बना रहा जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर नॉर्मल म्यूकोस आए, ठीक है, उसमें से अर्ली ये मान लो अर्ली एडेनोमा बन गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा 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 ग्रोथ आ गया, फिर से यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ आ गया, ठीक है, मतलब इसमें अर्ली एडेनोमा, फिर अपन इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट एडेनोमा, फिर अपन इसको बोल देंगे कि लेट एडेनोमा, तो फिर एडेनोमा जो है मतलब कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है, तो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है। और लेट एडेनोमा से, ठीक है, लेट एडेनोमा से जो बनेगा वही क्या होगा, ये थोड़ा सा और बढ़ा और इससे बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया तो अपन उसको क्या बोल देंगे, कार्सिनोमा, ठीक है, मतलब मैलिग्नेंसी। अब होता क्या कि पहला जो एडेनोमा होती है अर्ली एडेनोमा अपन उसको बोलते हैं कि फर्स्ट हिट, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये होता है APC जीन के म्यूटेशन की वजह से, दूसरा जो है ये केरास के वजह से होता है, ठीक है, और तीसरी कंडीशन मतलब लेट कंडीशन ये होता है ये सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे कि P53 हो गया, फिर SMA, ठीक है, D2 या फिर SMA D4, इनके म्यूटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो लेट, ठीक है। और जब कार्सिनोमा मतलब मैलिग्नेंसी मतलब टेलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, टेलोमेरेज एक्टिव हो जाएगा तब टेलोमेयर स्ट्रगल हो जाएगा तो फिर मरेगा नहीं सर, कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा। तो ये हो गए अपने एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में, अपन इसको थोड़ी से छोटा करके अपन बोल रहे हैं। देखो माइक्रोसैटेलाइट का मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है,
मैक्रो सैटेलाइट मतलब क्या कि रिपीटेशन, ठीक है, किसका रिपीटेशन, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मान लो, ठीक है, और ये सीक्वेंस करीब 1 से 6 न्यूक्लियोटाइड का होगा, ये सीक्वेंस बार बार आता रहेगा जीन पे, तो अपन उसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। अब होता क्या है कि जब नॉर्मल सेल डिवाइड करता है एक सेल से दो सेल, ठीक है, उस मोमेंट पे ये जितने भी सारे माइक्रो सैटेलाइट्स हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल हो जाते का ये मतलब कि उसके अंदर, मतलब ये जो नॉर्मल सीक्वेंस था उसका, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आ भी सकता है और उससे बाहर भी जा सकता है, अनस्टेबल हो गया, ठीक है, इसको अपन बोले अनस्टेबल। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको पता होगा कि डीएनए मिसमैच रिपेयर एक मैकेनिज्म होती है जहाँ से ऐसा उल्टा पलटा अगर न्यूक्लियोटाइड मतलब आ गया है फिर डिलीट हो गया तो उसको सही करते हैं, ठीक है, मिसमैच रिपेयर। इसके फिर जीन्स होते हैं, अपन उसके जीन की बात करें जो मतलब डीएनए मिसमैच को रिपेयर करता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं जैसे कि HMLA, ठीक है, सॉरी HMLA नहीं MSH2, MSH6, MLH1, MLH3, ठीक है, और फिर और क्या था, PMS1 और PMS2, इसको ये सारे के सारे मिसमैच रिपेयर जीन है, ठीक है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो मिसमैच का जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिपेयर का मेकानिज़म सही से काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे माइक्रो सैटेलाइट जो हैं, ठीक है, वो उसमें मतलब सीक्वेंसिंग जो है, मतलब जो नॉर्मल सीक्वेंस है वो बदल जाएंगे। अब होता क्या है कि नॉर्मली सेल के अंदर माइक्रो सैटेलाइट नॉन कोडिंग रीजन्स में होती है जहाँ से कोई प्रोटीन नहीं बनता, लेकिन कभी कभी कोडिंग रीजन्स पे भी आ जाता है। और ऐसा ही होता है किसके केस में, TGF-beta का जो रिसेप्टर है उसका जो जीन है उसके केस में, उसमें भी माइक्रो सैटेलाइट आ जाती है। अब होगा क्या, आपको पता होगा TGF मतलब टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, उसको रेगुलेट करता है TGF-beta, ठीक है, टिश्यू ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अब ऐसे अगर उसमें मतलब मिसमैच रिपेयर अच्छे से ना हो तो क्या होगा कि माइक्रो सैटेलाइट में मतलब म्यूटेशन के वजह से TGF-beta जो रिसेप्टर है उसमें म्यूटेशन होगा, और इसके वजह से TGF-beta इसको अच्छे से काम नहीं करेगा, और ऐसे रिजल्ट जो होगा वो है सेलुलर अनकंट्रोल्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें, एक प्रो एपोप्टिक जीन होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस में आपने पढ़ा होगा कि प्रो एपोप्टोटिक और फिर एंटी एपोप्टोटिक ये सब कुछ, सो इसमें एक जीन होता है कि बैक्स जीन, ठीक है, ये प्रो एपोप्टोटिक होती है, ठीक है, मतलब अगर ये एक्टिवेट हो गया तो एपोप्टोसिस हो जाएगा सेल का। तो इसमें भी म्यूटेशन होने की वजह से ये भी अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसके रिजल्ट से अनकंट्रोल्ड जो है मतलब सेल का प्रोलिफरेशन होता रहता है। तीसरी कंडीशन में अपन बात करें CIMS यानी कि CpG आइलैंड हाइपर मिथाइलेशन फेनोटाइप, ठीक है। देखो अगर अपन बात करें हाइपर मिथाइलेशन, इसकी बात करें अपन सिर्फ मिथाइलेशन की बात करें तो ये कोई जेनेटिक रीज़न नहीं हुआ, ये एपिजेनेटिक रीज़न हुआ, ठीक है, मतलब जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रोका जा रहा है एपिजेनेटिक रीज़न। लेकिन ये एक फेनोटाइप है, मतलब ये मतलब हाइपर मिथाइलेशन होना यही अपने आप में जेनेटिक है, समझ रहे मेरी बात को। तो अगर अपन नॉर्मल अगर बोले कि कोलोरेक्टल कैंसर का जो जेनेटिक रीज़न बताओ तो उसके अंदर हाइपर मिथाइलेशन ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब मिथाइलेशन होना जेनेटिक नहीं है। लेकिन अगर मिथाइलेशन हो रहा है और यही अगर कंटिन्यू मतलब हेरिडिटरीली मिथाइलेशन ऐसे ही हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मतलब अपने आप अगर फेनोटाइप ही बन गया अलग से तो फिर वो जेनेटिक के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिसमैच का मतलब इसमें भी वही कंडीशन होता है पहले जैसा कि जो मिसमैच रिपेयर जीन होता है, ठीक है, HMLH1, ठीक है, इसमें हाइपरमिथाइलेशन होता है तो इसका जो प्रोटीन है वो मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पाता, इसी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन होती है। और दूसरा जो है कि BRAF
ठीक है, अपने अपने ऑन्कोजीन है, इसमें भी मतलब म्यूटेशन होने की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन है, म्यूटेशन होने की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, फिर अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होता रहता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि एपिजेनेटिक वाला कंसेप्ट भी बताया आपको, और यहाँ पर जेनेटिक एपिजेनेटिक मतलब क्या कि म्यूटेशन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है, म्यूटेशन को छोड़ करके बाकी किसी उपाय पे, मतलब एपिजेनेटिक, इसलिए अपन बोलते हैं कि नॉट जेनेटिक, दैट इज़ एपिजेनेटिक, कि मिथाइलेशन हो गया, ठीक है, हिस्टोन जो प्रोटीन्स रहता है उसमें मॉडिफिकेशन होगा तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं एपिजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया पैथोजेनेसिस। और अगर बात करें अपन मॉर्फोलॉजी की, तो देखो मॉर्फोलॉजी पे मतलब पूछा जाता है कि कोलोरेक्टल कैंसर का मॉर्फोलॉजी बताओ। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी की जब भी अपन बात करेंगे दो चीज़ बोलना पड़ेंगे, एक आप बाहर से देख रहे हो क्रॉसली, दूसरा आप क्या माइक्रोस्कोप में क्या देख रहे हो, ये दोनों आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर आप क्रॉसली बताओ तो बताया जाता है कि नॉर्मली, ठीक है, ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये इंटेस्टाइन की मतलब लार्ज इंटेस्टाइन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मतलब कुछ कुछ भाग होता है, मतलब चार प्रकार के देखा जाता है जिसमें, पहला जो है पॉलीपॉइड टाइप, ठीक है, मतलब पॉलीपॉइडल अपन बोलते हैं इसको, तो बेसिकली पॉलीप जैसा होगा, जस्ट एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब अगर ये मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसमें पॉलीप जैसे करके ग्रोथ होगा, ठीक है, ये बेसिकली एक ही वाल पे होगा, मतलब इंटेस्टाइन के पर्टिकुलर एक ही वाल पे होगा। जनरली यही देखा जाता है कि ये राइट कोलोन पे देखा जाता है मेनली, ठीक है, राइट साइडेड कोलोन पे देखा जाता है। और इसमें क्या होगा, देखो क्योंकि एक ही वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है और इसी ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, इसलिए इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं दिखा जाएगा इसमें, पॉलीपॉइड।